हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए ये आइडियल मेथड होता है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले फ्री पिक्स लिखा जाता है, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है और सबसे एंड में सेकेंडरी सफिक्स हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आईयूपीएसी नाम कैसे बनाएंगे वो सीखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट की। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन। जो लॉन्ग चेन हम बनाते हैं उस लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन को कौन रिप्रेजेंट करता है? वर्ड रूट। अगर लॉन्ग चेन में एक कार्बन है तो उसके लिए क्या वर्ड रूट हम लिखेंगे? मीथ। अगर चेन में दो कार्बन प्रेजेंट हैं तो क्या वर्ड रूट हम लिखेंगे? ईथ। अगर चेन में तीन कार्बन होंगे तो प्रॉप वर्ड रूट हम लिखेंगे। चार कार्बन होने पर ब्यूट, पांच कार्बन होने पर पेंट, छह कार्बन होने पर हेक्ट, सात कार्बन होने पर हेप्ट, आठ कार्बन होने पर ऑक्ट, नौ कार्बन होने पर नॉन, 10 कार्बन होने पर डेक। इन वर्ड रूट का हम इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की। ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन इन लॉन्ग चेन। जो लॉन्ग चेन हम बनाते हैं उस लॉन्ग चेन में जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी सफिक्स। अगर सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं हम? ए एनी। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे? ई एनी, ईन। अगर लॉन्ग चेन में कार्बन्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इनके लिए प्राइमरी सफिक्स हम क्या लिखेंगे? वाई एनी। तो ये तीन प्राइमरी सफिक्स लिखे जाते हैं। अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो ए एनी, अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड है तो ई एनी, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एनी। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इनकी संख्या एक से ज्यादा होती है तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा इन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी एक लॉन्ग कार्बन चेन में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो हम क्या लिखेंगे? डाई इन। डाई का मतलब क्या होता है? दो। अगर लॉन्ग कार्बन चेन में तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई इन। अगर चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं लॉन्ग कार्बन चेन में तो क्या लिखेंगे हम? टेट्रा इन। सेम इसी तरीके से हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं। दो ट्रिपल बॉन्ड होने पर डाई आयन लगा देंगे, तीन ट्रिपल बॉन्ड होने पर ट्राई जोड़ देंगे, चार ट्रिपल बॉन्ड होने पर टेट्रा हम जोड़ देंगे। अगर कभी ऐसा केस बनता है कि एक लॉन्ग कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो हम डबल बॉन्ड के लिए ई एनी पहले लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एनी बाद में लिखेंगे। एक रूल होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ से स्मॉल ई का रिप्लेस होना, ये मैं आगे आपको रूल्स बताऊंगा। तो प्राइमरी सफिक्स को आप ध्यान से देखिए, किसे रिप्रेजेंट करता है?
लॉन्ग चेन में कार्बन्स के बीच बॉन्ड्स को। अगर सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो ए एनी, डबल बॉन्ड होने पर ई एनी, ट्रिपल बॉन्ड होने पर बाई एनी। अगर एक चेन में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो डाई लगा देंगे, तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो ई एनी से पहले ट्राई लगा देंगे, अगर चार हैं तो टेट्रा हम लगा देंगे। सेम हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा केस बनता है कि एक ही चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों को लिखा जाएगा। पहले डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई लिखेंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई। स्मॉल ई को मैंने यहाँ से हटा दिया है, ये मैं आपको आगे के रूल्स में बताऊंगा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स के बाद हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स के लिए मुझे दूसरा पेज लेना पड़ेगा। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल का आईपीसी नाम हम बनाते हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे कौन रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंडरी सफिक्स। यहां पर मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स नोट किए हुए हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के नाम्स हैं, नेम्स, और किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करना है वो मैंने यहां पर नोट किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे हम? ऑल, OL। एल्डिहाइड कैटेगरी, इनके फंक्शनल ग्रुप को CHO से करते हैं रिप्रेजेंट। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे? अल। कीटोन, इनके फंक्शनल ग्रुप को CO से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा लगाएंगे? ओ एन ई, ऑन। आप इसमें एक चीज और देखिए, जैसे OH के इसी साइड में मैंने बॉन्ड बनाया है, CHO के इसी साइड में बॉन्ड बनाया है, जबकि CO के दोनों साइड में क्या बनाया है? बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि OH के सिर्फ इस साइड में क्या होंगे? कार्बन। CHO के इस साइड में क्या होंगे? कार्बन या कार्बन चेन। CO के दोनों साइड में कार्बन होंगे, मतलब CO ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन के बीच में आता है। कार्बोक्जिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को CWH से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे हम? ओइक एसिड। एसिड क्लोराइड COCl से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, और सेकेंडरी सफिक्स क्या जोड़ते हैं? ऑयल क्लोराइड। एसिड एमाइड CONH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे हम? ओनली एमाइड। एस्टर्स फंक्शनल ग्रुप होता है COO, कैसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन के बीच में आता है, मतलब इसके दोनों साइड में क्या होंगे? कार्बन। आईयूपीएसी नाम कैसे बनाएंगे? कम कार्बन वाले में YL जोड़कर, ज्यादा वाले में OH-TE, जो मैं आपको जब कैटेगरी वाइज नोमिक्लेचर कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्राइल्स। फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं CN से। सेकेंडरी सफिक्स क्या जोड़ते हैं? नाइट्राइल। अमीन्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे NH2 से। सेकेंडरी सफिक्स क्या जोड़ेंगे? अमीन। थायो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे SH। सेकेंडरी सफिक्स क्या ऐड करेंगे? थायोल। तो ये हो गए कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और उनके सेकेंडरी सफिक्स। अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। आप सेकेंडरी सफिक्स के बारे में एक बात और समझिए, अगर किसी कंपाउंड में
एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स हम बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप होंगे उन एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप का क्या बनाएंगे हम? प्रीफिक्स। एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप, तो प्रीफिक्स किस किस के बनाए जाते हैं? एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप के और एल्काइल्स। कौन से एल्काइल्स? जो लॉन्ग कार्बन चेन से बाहर रहते हैं। जो एल्काइल्स लॉन्ग कार्बन चेन से क्या रहते हैं? बाहर। और जो फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स बनेगा और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके हमेशा क्या बनते हैं? प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल FClBrIno2, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनके हमेशा प्रीफिक्स ही बनते हैं। F का प्रीफिक्स फ्लोरो, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयडो, NO2 का नाइट्रो। तो ये हो गया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने का तरीका। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, उनके बाद वर्ड रूट लिखे जाएंगे, उनके बाद प्राइमरी सफिक्स और सबसे एंड में सेकेंडरी सफिक्स हम लिखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज IUPAC नाम बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एल्केन्स के नॉमिक्लेचर के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एल्कीन्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एल्काइन्स के नॉमिक्लेचर के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा एल्कीन्स और एल्काइन्स इनके कंबाइंड नॉमिक्लेचर के बारे में, उसके बाद मैं आपको कैटेगरी वाइज जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सब के नॉमिक्लेचर के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको ये फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं और IUPAC नाम लिखने का जो तरीका होता है वो आपको आना चाहिए।